खरीफ फसल आपको देखने के मिलेगा, ये जून जुलाई आसपास में बोए जाते हैं, ठीक है। और ये अक्टूबर आसपास में कटते हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो जो हाय एवरीवन, आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे अभी कि तेलंगाना है, तेलंगाना को अभी यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि अभी बैंकॉक जो सिटी है वहाँ से भी अनाउंस हो गया है, तो बैंकॉक से अभी इसको पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो तेलंगाना ने स्कोर किया है अभी एशिया पैसिफिक अवार्ड किसके लिए, कल्चरल हेरिटेज और जो कंजर्वेशन किया है अपने स्टेट में, ठीक है, उसके लिए दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो 17वीं सेंचुरी में जो स्टेपवेल थे, ठीक है, और कुतुब शाही जो टॉम था, मकबरा था, उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संरक्षण करके रखा है। इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि जो यहाँ डोमा कोंडा जो फोर्ट था, उस जो बना था 18वीं सेंचुरी में, जो कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना में, उसको भी एक काफ़ी ज़्यादा इन लोग संरक्षित करके रखे थे, जिसके लिए यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड मिलने वाला है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर रहा है, और इसके लिए एक पॉलिसी या फिर इसके लिए बोल सकते हैं कि जो नियम कानून बना रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी जगहों पर लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट का जो उपयोग अभी आप देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस में या फिर पासपोर्ट साइज में या फिर वोटिंग जो राइट होता है उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट एक आप देखे होंगे कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो बर्थ सर्टिफिकेट उसको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस की ओर से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक खासा इसलिए तैयारी करके रखा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें बताया गया है, पता चलेगा कि जो अभी है कि अभी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट इसमें बना रहा है, जिसके थ्रू वो अमेंड कर रहा है, किसको अमेंड कर रहा है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड जो डेथ है एक्ट 1969 को, उसको ये अमेंडमेंट कर रहा है। इसके थ्रू जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर जो डेथ सर्टिफिकेट है वो पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का डेथ होता है या फिर किसी किसी भी शिशु का जन्म होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। पहले ये सब नहीं था, लेकिन अभी इसकी वजह से अब जान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव उठाया जा रहा है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है कि किसी व्यक्ति को पहचान के लिए, आप देखे होंगे कि अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डेट अलग दिखाया जाता है, जन्मतिथि, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका अपना जन्मतिथि भी पता नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करना है, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसके लिए ये कंपलसरी करने वाला है। तो इसीलिए अब देखिए कि आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, सपोज स्कूल में एडमिशन लेते हैं या फिर कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हैं, तो उसके लिए जो डेट है सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी करने वाला है। तो इसके लिए आप अवेयर रहिए, आप भी अपना जो डेट जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट ने अभी इसको अनाउंस किया है, ठीक है, अभी इसमें अभी ये तो बिल ही है, लेकिन बहुत जल्द ये आपको कानून बन जाएगा। तो एक बिल है, इसको देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, तो इसी को अमेंडमेंट करके इसको बनाया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे इसमें प्रोविज़न रखे जाएंगे, ताकि जो आने वाले दिनों में जो डेथ हो रहे हैं या फिर जो जन्म हो रहे हैं ऐसे बच्चों का, वो उसका काफ़ी ज़्यादा डाटा गवर्नमेंट के पास रहे, ठीक है। आप देखे होंगे कि आए दिन इससे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ गैर इलीगल या फिर ऐसे इंसिडेंट्स में फंस जाते हैं, ठीक है, जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले दिनों में जैसे कि आप देखे होंगे कि जो चुनाव का समय है, तो उसमें जो इलेक्टोरल जो रोल रहता है, ठीक है, उसमें इसको जो डेथ सर्टिफिकेट होता है या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट रहता है उसको इसमें इनरोल किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेथ तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका जो जैसे चुनाव का जो होता है ना मतदाता पर्ची, उसमें उसका नाम रहता ही रहता है। तो इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने सोचा है क्यों ना किसी व्यक्ति का जो बर्थ सर्टिफिकेट है और डेथ सर्टिफिकेट है सबको अपडेट रखा जाए, इसीलिए
गवर्नमेंट ने इस बिल को अभी पास किया है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में अभी आएगा, अब सेशन चलने वाला है, ठीक है, अभी दिसंबर में जो विंटर सेशन होगा उसमें, तो इसको पास किया जाएगा और इसे जल्द ही जल्द कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट इसमें स्टेप उठाने वाली है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में कि अभी PSLV EC-44 है सक्सेसफुली अभी लॉन्च हो गया है। ठीक है, इसमें 9 सैटेलाइट थे और मल्टीपल ऑर्बिट में इसको ऑर्बिट किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक ही एक नज़र में इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो EOS है, ठीक है, ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है, आप मान सकते हैं इसको सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इसको EOS-6 नाम दिया गया है। ये क्या है, इनिशिएट करेगा या परिकल्पना करेगा, कहाँ करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा ओशन कलर का। ठीक है, जो समुद्र है उसका रंग है उसका डाटा को कलेक्ट करेगा और जो समुद्र का जो सरफेस है या सतह है या पानी का कलर है या फिर जो हवा है उसको ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और जो ओशनोग्राफी है, ठीक है, और उसके जो क्लाइमेट है उसको ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे जो डाटा होगा वो वहाँ तक हमारे जो साइंटिस्ट है उसको अच्छे से इसके थ्रू मिल पाएगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें अन्य देशों के जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें पैसेंजर सैटेलाइट आप देख सकते हैं कि INS-2 भी है, एक इंडिया और भूटान का सैटेलाइट है। ठीक है, जो लगभग 18 किलो का है, 28.28 केजी का है। इस तरह आनंद इज फ्रॉम द पिक्सल इंडिया लिमिटेड का है, जो 16.51 केजी का है, ये सैटेलाइट है। इसी तरह टाइबोल्ट है ना, पर्यावरण दूसरा फॉर्म है, ध्रुव स्पेस लिमिटेड का बनाया हुआ है, इसको जान सकते हैं कितना है। ये है आपका, देखोगे तो इसका जो है वेट है 1.45 केजी है, लगभग 2 किलो भी नहीं है, 1.5 किलो के आसपास है ना। इसी तरह इसमें चौथा जो है ये एस्ट्रोकॉट सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये जो है 1 से 4 इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना, एस्ट्रोकॉट का नंबर 1 से 4 है, ये स्पेस फ्लाइट है। ओके, तो इसका जो है ये 17 किलो आसपास है, 17 या 18 केजी के बीच में है, 17.92 केजी का है, जो अमेरिका के है। ये कमर्शियल सैटेलाइट है। ठीक है, ये जो हमारे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और अन्य देशों का जो सैटेलाइट है उसको भी लॉन्च कर रहा है समय साथ। तो यहाँ पास आप देखेंगे फर्स्ट में तो साइंटिस्ट ने इसको पहले 2 ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और जैसे जैसे है ऑर्बिट को ज़रूरत पड़ी वैसे से लॉन्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खासा अच्छा डाटा है। ठीक है, सैटेलाइट का तो देखिए इसमें 8 नैनो सैटेलाइट अभी इंक्लूड किए गए थे इसरो के द्वारा। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे अलग अलग देशों के थे, जैसे भूटान के थे, INS-2 भी है ना, इसी तरह देखिए आनंद एस्ट्रोकास्ट था, इसमें जो 4 सैटेलाइट थे, और इसी तरह 2 टाइबल सैटेलाइट था, और इसमें नोटेबली EOS-6 है जो ओशन सेट सीरीज का है, इसमें 3rd जनरेशन का सैटेलाइट भी है। ठीक है, तो देखिए कि इसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इसमें लॉन्च किया गया था, जिसमें 24 फ्लाइट है। अब द PSLV-XL वर्जन था। ठीक है, विच 6 POSM-XL था, जिसको अभी इसको नाम दिया गया है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, आप इसमें नाम देख पाएंगे कि PSLV-C-54 है, तो इसको EOS-6 नाम दिया गया है। ओके, तो सैटेलाइट है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी ये सैटेलाइट अभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे देशों के साथ कोलाबोरेशन है, जिसके भूटान के साथ देख सकते हैं, है ना। INS-2 भी सैटेलाइट है, ये 2 पेलोड इसमें उन्होंने रखे थे। ठीक है, जिसमें वो NanoAMX है, इसके डेवलप किया था SAC ने। ठीक है, और इसमें APRS DGPATER था। ठीक है, जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया था DITT ने भूटान के द्वारा। तो इसी तरह बहुत सारे जो देश हैं उसका जो सैटेलाइट इंडिया या फिर इसरो इसको लॉन्च करता है, क्योंकि उसका सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं तो हमारे जो देश है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप सोचते होंगे कि हमारा जो देश है, ठीक है, जो स्पेस में हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसमें आप देखे होंगे कि जो रॉकेट है दूसरे देशों को रॉकेट को क्यों या फिर सैटेलाइट को क्यों लॉन्च करता है। तो इसलिए लॉन्च करता है क्योंकि इससे हमको या फिर हमारे देश को उससे जो इकोनॉमी मिलता है या फिर उससे जो भी धन मिलता है उससे हम अपने जो स्पेस सेक्टर है या फिर जो इकोनॉमी है उसमें हम लगाते हैं। ठीक है, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी एक गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी
बता रहा है कि जो फर्टिलाइजर का जो स्टॉक है, ठीक है, जो उर्वरक है अभी रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में है। तो देखिए रबी फसल क्या होता है, आप जानेंगे कि रबी फसल एक ऐसा फसल है जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी आपका नवंबर का माह चल रहा है, तो रबी फसल में क्या होता है, रबी फसल एक ऐसा समय होता है जिसकी अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या है इसकी खेती होती है, ठीक है, या फिर इसके अनाज को बोई जाती है। इसमें देखिए तापमान जो होता है, तापमान कम लगता है, तापमान जैसे कि नॉर्मल टाइप रहता है, ठंडी का समय रहता है भारत में, ठीक है, विशेषकर उत्तर भारत में आप देख सकते हैं। और जब इसका जो या फिर इसका जो फल रहता है या फिर जो इस पौधे का या जिसको हम जिसकी खेती करते हैं उसका, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, सपोज करिए जनवरी फरवरी में, उस समय इसका खेती हो जाता है ना। जैसे कि अभी जो रबी फसल में बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसको इस मौसम में बोया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आलू हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, अलसी हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, रबी हो गया, इस टाइप की जो प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, जो रबी की फसल कहलाती है। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि इस मौसम में बहुत सारे जो किसान हैं आलू की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, जो मसूर चना अलसी मटर की खेती करते हैं, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप जान सकते हैं कि रबी फसल तो आप जान ही गए, इसके बाद आता है आपका रबी के फसल के बाद आपका है खरीफ फसल। खरीफ फसल इसके बाद का आता है, खरीफ फसल इससे पहले आता है जैसे कि आप जान सकते हैं, ठीक है। ये खरीफ फसल में होता क्या है, खरीफ फसल में जैसे कि धान हो गया है ना, और मक्का हो गया, और ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और मूँगफली की खेती या फिर आप जान सकते हैं जैसे कुलथी हो गया, कपास हो गया, इसकी खरीफ फसल में खेती की जाती है। खरीफ फसल आपको देखने के मिलेगा ये जून जुलाई आसपास में बो जाते हैं, ठीक है, और ये अक्टूबर आसपास में करते हैं। जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो जो अभी जो धान हुआ है वो कब का था, वो खरीफ फसल था, ठीक है, जो अभी हो रहा है, अभी जो लगाएंगे वो रबी फसल होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको फसलों का नाम याद रखना है, और इसी तरह जब रबी फसल हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, फिर लास्ट में आता है जायद फसल। जो जायद फसल अधिकतर गर्मी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत में। तो जायद फसल देखिए, जायद फसल में कौन कौन सा आते हैं, और जायद फसल में आप जान सकते हैं कि जायद फसल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक जायद खरीफ होते हैं है ना, एक जायद रबी फसल होते हैं। जायद खरीफ में वो लोग आते हैं जैसे कि आप जान सकते हैं ये धान हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, कपास हो गया, तिलहन आदि के जायद खरीफ में आते हैं। और जायद रबी में जिसकी थोड़ा सा सूस टाइप के ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनको जल्दी ही आप देख पा रहे होंगे कि जो जायद रबी फसल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं फसल, जैसे कि हो गया खरबूजा हो गया है ना, और तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, पतेदार सब्जी आदि होते हैं। तो ये क्या है, ये जायद की फसलें हैं। तो हमारे भारत में जायद की फसलें हम गर्मी के मौसम में देखने को मिल जाती है, विशेषकर कब देखने को मिलती है आपका मार्च वगैरह में, इसको नहीं फरवरी जनवरी फरवरी में इसको बुलाया जब फसल ख़त्म होती है, ठीक है, किसकी, ये रबी की, तो जायद की फसल को लगाया जाता है, और ये आपका गर्मी के मौसम में जून जुलाई में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इसका जो फल होता है वो हम लोग को मिलने लगता है। तो ये तो रहा रबी फसल और जायद फसल, ठीक है, और खरीफ फसल के बारे में। तो अभी ये तो है इंडिया जो फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट जैसे कि अभी जान ही सकते हैं कि हर फसल को खेती करने के लिए एक अभी भारत में चल प्रचलित सा हो गया है कि उसमें उर्वरक डालते हैं, क्योंकि उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा जो उत्पादन होता है अच्छे से होता है, और फसल के इसमें क्या है उसकी जो लागत होती है थोड़ा कम पड़ती है, ठीक है, और उर्वरक से क्या होता है फसल जो है दोगुना उत्पादन होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं इसमें कहाँ बताएँ। अभी देखने के मिलेगा कि जो G20 जो समिट हुआ था कहाँ अभी हुआ था इंडोनेशिया में, तो भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। तो अभी अंडमान में इसका जो तैयारी चल रहा है, और अगले साल 2023 में है ना सितंबर में आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में इसका जो मीटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि G20 में ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है, ये US हो गया, ये सब सभी देश लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और G20 के जो मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप वाला नेशन होता है ना एक दूसरे से जो व्यापार वगैरह करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा देशों को फायदा होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप इसको देखते हैं अगला टॉपिक को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुरुगप्पा एक ग्रुप कंपनी है जो अभी इन्वेस्ट कर रहा है लगभग 1,000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि आने वाले दिनों में जान सकते हैं कि हमारे जो
पर्यावरण है उसको एक क्लीन मोबिलिटी चाहिए, ठीक है, एक साफ़ सुथरा मौसम चाहिए, या फिर बोल सकते हैं साफ़ सुथरा पर्यावरण या फिर इको सिस्टम चाहिए, जिसके लिए हम जो व्हीकल हैं जैसे कि फ्यूल से चलते हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, बस वो कमर्शियल के लिए थोड़ा बहुत यूज होंगे, ठीक है। और अधिकतर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जोर दे रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में ये सब हमारा जो ऑयल है या फिर आप देख पा रहे होंगे कि जो ऐसे जो फॉसिल फ्यूल वो ख़त्म होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर दे रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारे जो कंपनीज हैं इंडिया कंपनी वो आगे आकर सामने आ रहे हैं। इसी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा इन लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, कंपनी को भी दे रही है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीद रहे हैं जो भी सिटीजन्स हैं उसको में भी उन लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब सपोज करिए कि अगर जब हमारे देश में अगर पर्यावरण से अगर नुकसान कम होने लगेगा तो जान सकते हैं कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका सेक्टर तो नहीं बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका बहुत जल्द इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप देख सकते हैं बाइक देख सकते हैं, स्कूटी देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, ठीक है। और हैवी वाहन भी और बन रहे हैं जैसे कि बस वगैरह हो गया है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जा रहा है। तो इससे क्या है, पोल्यूशन कम होता है, और पोल्यूशन कम होगा तो इससे हमारा जो इको सिस्टम है कम होगा, और इससे हम कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इंडस्ट्री, ठीक है, अभी भारत क्या होता है, बहुत सारे जो मटेरियल होता है जो पदार्थ होता है हम चाइना से अभी ले रहे हैं, तो इसे हम चाह रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में ही हो। तो चलिए हम एक ऐसे मोड पर काम करें, गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत कम रहा है, क्योंकि हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज रहे हैं इंडिया के पास, लेकिन तो इसका जो रत्ती भर भी यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे जो कंपनीज हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो हमारे जो कंपनी है हमारे इंडिया के वो हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और दूसरे देशों से जो भी मटेरियल या फिर जो माल रहता है कच्चे माल वो हम इम्पोर्ट करते हैं, जिससे उसका कॉस्ट या फिर लागत फिर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पास बात किया जा रहा है, ठीक है, कि इंडिया ने अभी चाइना से कितना इम्पोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसी बारे में यहाँ पास हम डिटेल में बात किया जा रहा है इस टॉपिक में, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे जो समुद्र हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन अभी उसमें गवर्नमेंट विशेषकर ध्यान नहीं दे रहा है। इसको डीप ओशन मिशन बोला जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीप ओशन मिशन है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा समुद्र है, ठीक है, जिसमें कि हम अपना जो है जो रिसोर्सेज हैं जो मिनरल्स हैं उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसका अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी दूसरे देशों से सेमी कंडक्टर वगैरह हम मंगाते हैं, ठीक है, जिसको यूज करते हैं, तो हमारे देश में भी ये मिल सकता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे कंपनीज हैं जो नए कंपनी है उसको प्रोत्साहन दें, ठीक है, ताकि वो कंपनी इसमें फल फूल सके और अपना इंडिया के लिए कुछ कर सके। तो इसी कंटेक्स्ट में ये रहा वाला न्यूज, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, अभी जो आर्मी चीफ है आप यहाँ पर देख पाएंगे, अभी आर्मी चीफ है कौन बना है पाकिस्तान में, तो आर्मी चीफ देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका पता है आपको, ये है आसिम मुनीर, ठीक है, अभी नए पाकिस्तान के जो आर्मी स्टाफ या फिर आर्मी चीफ बन गए हैं, ओके। जो शहबाज शरीफ हैं जिसका गवर्नमेंट है अभी उन्होंने इसको अपॉइंटमेंट किया है। तो जान सकते हैं कि ये एक समय था जब ये ISI का जो हेड था, ठीक है, ISI, ठीक है, ISI क्या है, इंटर स्टेट जो इंटेलिजेंस होता है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका एक फेमस स्पाई था, ठीक है, फिर बोल सकते हैं ये जासूस था। तो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपने देश के लिए, तो जान सकते हैं इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने या फिर बोल सकते हैं ये शहबाज ने शरीफ है इसको अपॉइंटमेंट किया है एज ए आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, है ना, ठीक है, ये नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेंगे। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का, तो हम वीडियो कहीं पर सेंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।